कोई बात नहीं, ठीक है जल्दी हो जाओगे। जी मैंने फोन तो कर दिया, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। लो जी वो आ गए डॉक्टर साहब। कम हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, पूरी रात तब से रहे, बुखार कम नहीं हुआ। मैंने जो आपसे कल रिपोर्ट मंगवाई थी वो आ गई। ठीक है वो रिपोर्ट लेकर आओ। कोई बात नहीं राजू, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। चलो निशा मुझे तुम्हारे साथ भी बात करूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब सब ठीक तो है? देखो निशा मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, राजू की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। क्या राजू की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और इससे बचने का एक ही तरीका है, उसके लिए दूसरी किडनी का प्रबंध करना होगा तो ही राजू ठीक हो पाएगा। इसमें कितना खर्चा आ जाएगा डॉक्टर साहब? खर्चे का तो मैं कह नहीं सकता, ये तो अस्पताल जाकर ही पता लगेगा, पर खर्चा लाखों में आ सकता है। जितना जल्दी हो सके राजू को दिल्ली लेकर चले जाओ। फिर भी डॉक्टर साहब कुछ तो बता कर जाओ। देखो निशा जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया, बाकी बड़े डॉक्टर साहब ही बताएंगे। चलो मैं चलता हूँ। हे भगवान ये आपने कैसे दिन ला दिए। ऐसा करती हूँ सेठ जी के पास जाती हूँ, वो हमारी कुछ मदद कर देंगे। निशा क्या कहा डॉक्टर साहब ने? तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। छोटू इस महीने का सारा हिसाब हो गया? हाँ साहब जी इस महीने का सारा हिसाब बना दिया। ठीक है छोटू बताओ कितना हिसाब बैठा है? 9,32,000 रुपए बने सभी मजदूरों के। ठीक है छोटू फाइनल कर दो हिसाब। ठीक है छोटू, और किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही बिजनेस में? नहीं नहीं सेठ जी कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? सेठ जी मैं राजू की पत्नी निशा। सेठ जी उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं चाहती हूँ आप हमारी मदद करें, डॉक्टर ने लाखों खर्चा बताया है। देखो निशा तुम्हारे पति ने जो मेरे पास काम किया था उसकी तनख्वाह तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैं जानती हूँ साहब आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है भी कौन, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब हमारी मदद कौन करेगा सेठ जी? यार होने धोने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तुम्हें एक बात तो बताओ, अपने पति की जान बचाने के लिए तुम क्या कर सकती हो? सेठ जी मैं अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी। अच्छा तो ऐसा करो आज रात को मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो सोचा था मैं आपके झाड़ू पोछा करके पैसे उतार दूंगी। देखो निशा झाड़ू पोछा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे, क्या उन पैसों से तुम्हारे पति का इलाज हो जाएगा? सेठ जी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। जिसे तुम धोखा बोल रही हो वो तुम्हारे पति की जान बचाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। नहीं सेठ जी ये सब गलत है, समाज क्या कहेगा? देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अगर तुम्हारी हाँ है तो दरवाजा वहाँ है, अगर तुम्हारी ना है तो दरवाजा उधर है। सेठ जी आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? छोटू तुम ऐसा करो जाओ मजदूरों का हिसाब कर दो। जी सेठ जी। मुझे लगता है
तुम मान गई हो, तुम चलो कमरे में, मैं आता हूं। आज तो मजा आ जाएगा। आए हाय, आज तो मजा ही आएगा। यार मुझे तो आज पता चला सेठ इतना कमीना है, किसी का मजबूरी का फायदा उठाता है। हाँ भाई, आज तो तुमने निशा मुझे खुश कर दिया, ये लो तुम्हारा इनाम। ये क्या सेठ जी, केवल 1,000 रुपए? अरे जितना तुमने काम किया है उतनी तुम्हारी कीमत मिल गई है। ये क्या सेठ जी, जो औरत अपने पति की जान बचाने के लिए खुद की इज्जत को दांव पर लगा दे, आपने उसे बेचारू औरत समझा? अरे जो औरत अपने पति को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ सो जाए, उसे बेचारू नहीं तो और क्या कहेंगे? सेठ जी, मैंने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने आप को बेच दिया, आप तो एक इंसान की शक्ल में भेड़िया हो। भेड़िया साली, मुझे भेड़िया बोलती है? तुम्हारी औकात 2 टके की नहीं है, तुम तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। सेठ जी, अगर यही जूती इंसान की शक्ल पर पड़ती है ना, तो उसकी शक्ल भी जूती जैसी हो जाती है। सेठ जी, आज आपने एक मजबूरत का फायदा उठाया है, एक दिन आप पे भी वक्त आएगा, मैं आपको आपके घर में बद्दुआ देती हूँ कि आप भी एक दिन बहुत पछताओगे। हाँ, ये लो अपने सेठ जी पैसे, किसी गरीब को खाना खिला देना। आई मुझे बद्दुआ देने वाली? अरे तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखी हैं। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बच्चा क्या हुआ? बच्चा बड़ी परेशान नजर आ रही है। क्या बताऊं बाबा जी, मेरे पति की कई समय से बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने बताया है कि उनके दोनों किडनियों में इन्फेक्शन आ चुका है, उसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा खर्च होगा और पैसे का कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहा, मैं इसी वजह से परेशान रहती हूँ बाबा जी। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, हो सकता है मालिक ने मेरी सेवा लगाई हो, चलो मैं देखता हूँ आपके पति। बेटा कहाँ है आपका घर? पापा जी बस नजदीक में है। बाबा जी ये है मेरे पति। चिंता मत कर बच्चा, ये कुछ मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, सुबह शाम देते रहना, जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बाबा जी, मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। कोई बात नहीं बच्चा, जो मालिक करता है अच्छा ही करता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं डोलता, हम तो एक जरिया है। आप नहीं जानते बाबा जी इन दोनों में मेरे ऊपर क्या क्या बीती है। सब कुछ जानता हूँ, चिंता मत करो बच्चा, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, इंसाफ होगा इंसाफ। ये जड़ी बूटियां इनको सुबह शाम देते रहना, मालिक कृपा करेगा।
आप जल्दी ठीक हो जाओगे जी, परमात्मा ने चाहा तो। छोटू, किसी मजदूर से बात की है जो अपनी किडनी मुझे दे सके? 2 महीने से ज्यादा हो गया, बुखार नहीं उतर रहा। सेठ जी, मैंने सबसे बात कर ली, कोई भी अपनी किडनी देने के लिए तैयार नहीं है। छोटू, तुम ही अपने किसी रिश्तेदार से बात कर लेते, कोई तो अपनी किडनी दे दे। सेठ जी, मैंने सभी से बात कर ली, कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। छोटू, अब तो मेरी तेरे पे आस है, तुम ही अपनी किडनी दे दो मुझे। मैं तुम्हें किडनी के बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा, कहना मान लो। सेठ जी, मैं आपको अपनी किडनी नहीं दे सकता। याद कीजिए, जब राजू की पत्नी आपके घर आपसे मदद मांगने के लिए आई थी तो आपने उसके साथ क्या किया था? कल को मैं अगर बीमार पड़ गया और मेरी पत्नी आपके पास आई तो आप उसके साथ क्या करोगे? तो आप भी उसके साथ यही सब करोगे। राजू, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ मालिक, लेकिन एक बात कहूँ, राजू की पत्नी ने ना राजू को तपस्या कर बचा लिया था। आपको याद है मालिक, जाते समय राजू की पत्नी ने क्या कहा था? आज वो समय आ गया मालिक, आज आपको आपकी दौलत भी नहीं बचा रही। राजू, तुमने सही कहा है, मुझे उस राजू की पत्नी की बददुआ लग गई है। तुम एक काम करो, उसको फोन करके बुला लो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, उसको बुला लो फोन करके। कोई बात नहीं मालिक जी, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो, हाँ राजू, मैं मालिक साहब के घर से बोल रहा हूँ। हाँ मालिक साहब की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। चिंता मत करिए मालिक साहब, राजू और राजू की पत्नी जल्दी आ रहे हैं। लो मालिक जी। छोटू जी, मालिक वो अभी तक आए नहीं। लो मालिक साहब, आपने उन्हें याद किया और वो आ गए। आओ बैठो। क्या हुआ मालिक, आप ठीक तो हो? मैं बताता हूँ मालिक साहब को क्या हुआ है। मालिक साहब, 2 महीने से इनकी तबीयत खराब है, इनकी किडनी फेल हो चुकी है, कोई किडनी देने के लिए राजी नहीं हो रहा। क्या मालिक साहब को किसी ने किडनी नहीं दी? मैं दूंगा, मैं कोई आसान नहीं करूंगा। मालिक साहब की बदौलत हजारों घरों के चूल्हे चलते हैं। अगर मालिक साहब को कुछ हो गया, हजारों लोग सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझा, मालिक ने मुझे अमीर क्यों बनाया, ताकि मैं लोगों को सुकून दे सकूं और उनकी मदद कर सकूं। राजू, आज के बाद मेरा सारा कारोबार तुम देखोगे, और गरीब लोगों की मदद करना, उनका किसी का दिल मत दुखाना। छोटू, जाओ कोरा कागज ले आओ, मैं उस पर अपने साइन कर देता हूँ, आज के बाद ये उस वसीयत का मालिक होगा। निशा, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मैं दौलत के चक्कर में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मेरी सारी दौलत तुम्हारे ही काम आएगी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, हमने आपको माफ कर दिया। शुक्र है उस मालिक का जो आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। ये लो राजू, आज से मेरी जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति के मालिक आप दोनों हो, और तन मन धन से सब गरीबों की सेवा करना, किसी का दिल मत दुखाना, और आज के बाद तुम मालिक हो। किसी की गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, हम जैसी करनी करते हैं हमें वैसा ही फल भुगतना पड़ता है,
हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें भगवान देता है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि आपको भी अच्छा लाभ मिले।